आज हम जीका वायरस के बारे में बात करेंगे। जीका वायरस ये एक जानलेवा वायरस है। यदि इसका सही समय पर उपचार नहीं किया गया था इससे जान भी जा सकती है। जीका वायरस क्या है, इसके लक्षण एवं इससे किस तरह से बचना चाहिए, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। जीका वायरस की खोज 1947 में युगांडा के जीका जंगलों में हुई, इसलिए इसका नाम जीका वायरस रख दिया गया है। ये संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होती है। ये वही मच्छर हैं जो चिकुनगुनिया एवं डेंगू बीमारी फैलाते हैं। जीका वायरस से माइक्रोकेफेली नाम की बीमारी हो जाती है। यदि कोई महिला जीका वायरस से पीड़ित है तो उसके बच्चे को माइक्रोकेफेली नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से बच्चे अविकसित पैदा होते हैं। इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं के जो बच्चे पैदा होते हैं उनके सर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं या बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इस बीमारी से बच्चे अविकसित पैदा होते हैं। इस बीमारी से बच्चों के दिमाग पूर्णता से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं के। चलिए इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो चिकुनगुनिया एवं डेंगू से मिलते जुलते ही इसके लक्षण होते हैं। इसमें बुखार बहुत ज़्यादा आने लगता है, बहुत तेज़ बुखार आने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, आँखों का रंग लाल पड़ने लगता है एवं स्किन पर लाल चकते बनने लगते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारे घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और आसपास की सफाई का भी ध्यान रखें। हमारे घर में किसी भी तरह का पानी ना रोकने पाए और आसपास के एरिया में भी कोई किसी तरह का पानी ना रोके। मच्छरों से बचने का उपाय करें, जाली वाली जो खिड़कियां होती हैं, जो दरवाजे होते हैं उसको बंद रखें हमेशा। मच्छरों को मारने के लिए किसी भी तरह के कॉस्मेटिक का यूज कर सकते हैं। बांह वाली शर्ट पहनकर ही बाहर निकले एवं आपके बच्चों को निकलने दें। उबले हुए पानी का यूज करें, आप भी पिए और आपके बच्चों को भी पिलाएं। आपको इनमें से किसी प्रकार के लक्षण नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये इस बीमारी का इलाज नहीं कराया गया तो इस बीमारी से जान भी जा सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने परिवार में शेयर करें एवं अपने रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि इस जीका वायरस के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।